सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।
त्रिशूल चंद्र ही धरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। मयूर कुकुट वृते महाशक्ति धरे नघे कौमारी रूप संस्थान नारायणी नमोस्तुते। शंख चक्र गदा शार गृहीता परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। गृहीतोग्र महाचक्र दृष्टो धृतम सुंदरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। नृसिंह रूपे नौग्रेण हन्तुं जत्यान्त्योद्यमे त्रैलोक्य प्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते। किरीटी महावज्र सहस्र नयनज्वले वृत्र प्राण हरे चंद्रे नारायणी नमोस्तुते। शिवधूते स्वरूपेण हत्यधत्य महाभले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते। दशाकराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंड मथने नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मी लज्ज महाविद्ये शद्धे पुष्टि सुधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। मेदे सरस्वती वरे भूते ब्राह्मितामसि नीलते कंदसि देशे नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नौ देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनात्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं वातु नौ भीतर्भद्रकाली नमोस्तुते। हीनस्ते दैत्यतेजांसि स्वरेणापूरया जगत् स घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुरा सुवसा पङ्कचित्तस्ते करज्वलः। शुभाय खो भवतो चण्डिके त्वां नता भयम् रोगान् शेषानपहंसि तुष्टान् हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रितायाश्रयतां दयान्ते। एताकृतं यत् कदनां त्वयाद्या धर्मादृशां देवि महासुराणां रूपे अनेके बहुधा त्वमूर्ति कृत्वाम्बिकेतात्रकरोति काम्यां विद्या सुशास्त्रेषु विवेकदीपे श्वाधेषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वदर्शेति महान्धकारे बिभ्रामयते तदपि भविष्यम् रक्षासि यत्रोक्तविशाशनागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाधि मध्ये तत्र स्थितात्वं परिपास्य विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपास्य विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम् विश्वेश्वन्द्या भवते भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालय नारिभीत नित्यं यथा सुरभधा ददुमेव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नयाशु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रसादा प्रसीदत्वं देवी विश्वातिहारिणी
त्रैलोक्यवासिनामिदेलोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदाहं सुरगणां वरं जन्मनश्रेष्ठ त्वं वृणध्वं प्रयच्छामि जगता उपकारकम् देवावोचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्वलभैरिविनाशनम् देव्यो वाच देवस्वरन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भानि शुम्भसेवानाम् उत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपागृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्रतिरोद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्हणिष्यामि विफलिता सुदानवान् रक्षयन्ता शतानुग्रा विफलिता महासुरान् रक्ता धन्दा भविष्यन्ति दारिणी कुसुमोपमाः ततो मां देवतः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुभन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यामनामृष्टा मनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमा सम्भविष्यामि योनया तथा शलेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति माततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवेः करिष्यामि सुरा शाकेरावृष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातं तदा यासमहं भुवि तत्रैव हरिष्यामि दुर्गमाख्या महासुरम् दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा वामयः सर्वे शोषन्त्यानं रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोके महाभागं करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा शङ्खे षट्पदम् त्रैलोकसहितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् ब्राह्मरीति जमालोकास्तदा शोषन्ति सर्वतः तीर्थं यदा यदा भादादानुवृत्था भविष्यति तदा तदावतीयाहं करिष्यामि संशयाम् ॐ सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सही भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य कर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं विद्वानों द्वारा
आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्य प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ओम विद्युत्तम प्रभा मृगपते स्कंदस्तिताम भेषणाम कन्याभिकरबालकेतविलसत् हस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदासिकेतविशिखाश् चापं गुणं तर्जने विभ्राणामनलात्मिकां शशिधराम् दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ दिव्यवाचं देवीस्तविश्यमानेत्रं शोषतया समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयं मधुकेटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्तिभल्वदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चलोदश्यानवम्यां चैकजयदशः शोषन्ति च वये भक्त्या मम माहात्मोत्तमम् नादेशां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथ न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेच वियोजनम् शत्रुतो नाभयं तस्य दस्यतो वा न राजतः न शस्त्रानतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्वाममेतन्माहात्म्यं पठेतव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हितात् उपसर्गान् शेषास्तु महामारे समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातमाहात्म्यं शमयेन मम यत्र पठ्यते सम्यक् नित्यमायतमेन मम सदानां तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बले प्रदाने पूजायामग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममेतचरितमुच्चार्यं शाभ्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रतीक्षिष्यामहं प्रीत्या भग्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधाभिर्मुक्ता धनधान्यसुखान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा च उत्पत्त्यः शुभाः पराक्रमं युद्धेषु जायते निर्व्यापमान् त्रिभुवः संशयं जान्ते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलो पुंसामाहात्म्यमे शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दोषप्रदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः शमं यान्ते ग्रहपीडासु दारुणाः दुःस्वप्नं जन्मे दृष्टा सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्
संघात भेदे जननामेति कर्णमुत्तम दुर्वृत्तानाम शेषानाम बलहानिकरं परं रक्ष भूत पिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वम् मे तन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशु पुष्पार्घधूपेश गन्धदीपे सोत्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीय हरल्लिशम् अन्ये च विविधे लोके प्रदाने वत्सलेलया प्रीति मे कृते तस्मिन् श्रोतृषु चर्चय श्रुतय श्रुतम् हरति पापानि तथारोग्यम् प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनां मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदैत्यानिवहनम् अस्मिषु देवैरीकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुयो जाश जाश ब्रह्मशिभिकृताः ब्रह्मणा च कृता तासु प्रयच्छन्ति शुभामते अरण्ये प्रान्तरे वापि दावानि परिवारितः दशभिधारिता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन जागत्वा वन्द्या वन्द्या गतोऽपि वा माधुरीतो वा पातेन सितः पोते महानवे पतसो चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदना व्यतिकोऽपि वा स्मरणमेतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्गतात् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्य भो वैरिणस्तदा दूरादेव पलायन्ते स्मरस्तच्चरितं मम ऋषुर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवते चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवानिरातङ्काः स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुरादयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवविभौ युधि यगद्विध्वंसने तस्मिन् महाग्रेतलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तेदन्मोयुते विश्वं सेवविश्वं प्रसूयते साजयिता च विज्ञानं तुष्टारिद्यं प्रयच्छति व्यासं दयेत सकलं ब्रह्माण्डमयेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टिर्भवतया स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातनी भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मी वृद्धि सदा गृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशाय उपजायते सुता सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिविस्तदा ददाति वित्तं पुत्राश मतिं धर्मे गतिं शुभा अत्सद्धकुञ्जिका स्तोत्र शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डे जापः शुभो भवेत् न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न च भाषणम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अलिभूयतरं देवि देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणमोहनं वशं संवरोचाटनाधिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्यत् कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्रों ह्रों क्लीं जों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वलहं शं लं शं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि नमः केतवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि
नमस्ते शुंभ हंत्रे चान शुंभासुर घातनी जागतं हि महादेवी यपन सत्यं करोष्यमे हरिकारी सृष्टि रूपाये हरिकारी प्रतिपालिका हरिकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंड घाते च एकारी वरदायिनी भिज्जे च भयदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी गांधी धू धू जले वरुणी भांगी धू भागधीश्वरी क्रांती धू कालिका देवी शांती धू मे शुभं गुरु हुं 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 कार रूपिणे जम 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 घनालिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः अंकं जं गं गं पं यं जं भीं गुं ऐं भीं हं चं दिजाग्रं दिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां भीं गुं वाग्रते भुना कां भीं गुं केचरे तथा सां भीं गुं सप्तशते देव्या मंत्रसिद्धिं करोषि मे इदं तु कुञ्जिका सत्रं मन्त्रयागति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी धीनां सप्तशतीं वदेत् नातस्य जायते सिद्धे अरण्ये रोदनाय यथा अथ दुर्गाय पद्मनाशकम् नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके वैश्वरूपे नमस्ते जगद्वज्रपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी नमस्ते जगच्चन्द्रमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अनाथस्य Thank you.
Thank you.
तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बंधु, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो भी भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती स्तुति करते हैं, माँ की साधना करते हैं, माँ की आराधना करते ही, उन भक्तों पर सदा सर्वदा इस माँ भगवती आदि शक्ति की पूर्ण कृपा बनी रहती है। और माँ की कृपा से वह साधक जन, वह भक्त जन जो है, सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनकी समस्त मनोबल सिद्ध कामना पूर्ण होती है, कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है और सर्वत्र जो उन भक्तों का मंगल मंगल होते ही, जो भक्त जन इस जगजन ने आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ भगवती की अर्चना, माँ की पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं। समाज देवतागण भी इसी शक्ति उपासना करते हैं। दैत्य आप सब जानते हैं, मधु केतु ने इसी माँ भगवती की आराधना कर करके माँ को प्रसन्न करके इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता भी इसी शक्ति उपासना करते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अन्य ऋषि मुनि संत महात्मा जो है, मानव दानव सब जो है, इस शक्ति अधीन है, क्योंकि सारा जग जो है ये भगवती माँ माया के द्वारा ही मोहित किया गया है। ये देवी जो कृपा होती है, जब साधक माँ के शरणागत होकर के विशुद्ध मन से भगवती की साधना करते हैं, उन्हें सब प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये सिद्धि जो है, आठ प्रकार की सिद्धियां बतलाई गई है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पाकर प्राकम्य, ईश्वत, वशत्व, ये आठ प्रकार की सिद्धियां जो है जो बताई गई। और वैवर्त पुराण में जो है ये सिद्धि जो है 18 प्रकार की बताई गई, अष्टादश जो है। और इन सिद्धियों को जो है भगवान शिव ने प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने शक्ति उपासना की और शक्ति उपासना करके इन समस्त शक्तियों को उन्हें प्राप्त की, सिद्धियां प्राप्त हुई और उनका आधा शरीर जो था नारी को हुआ, जिससे भगवान शिव जो थे अर्ध नारेश्वर कहलाए। तो इस प्रकार से जय भगवती सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है, ज्ञान को देने वाली ही, सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली ही। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में महर्षि भृगु ऋषि जो हुए, भृगु जो है भृगु का विशेष स्थान था, इन्हीं भृगु के पुत्र जो है कवि हुए हैं और कवि के जो है जो असुर गुरु जो है यहाँ शुक्राचार्य जी हुए, तो कवि के पुत्र जो है शुक्राचार्य जी हुए जो असुरों के देवताओं के गुरु हुए हैं। जी योग विद्या के जो है ये आचार्य हुए हैं और इनके शुक्र नेत्र जो है बहुत प्रसिद्ध है।
जो बड़े ज्ञानी तपस्वी थे उन्होंने सब प्रकार की शक्ति जो है इस प्रकार सिद्धि जो थी इन्होंने प्राप्त की थी शक्ति की उपासना कर करके। शुक्राचार्य जो यद्यपि गुरु रूप में जो है आश्रम जो है इनका ही जो है बन किया था, आश्रम ने इन्हीं को अपना गुरु जो था जो बनाया था। और जी मन से भगवान के अनन्य भक्त थे, आश्रम के साथ रहते हुए भी जी उन्हें सदा धर्म की नीति की तथा सदाचार की जी शिक्षा देते रहते थे। और इसी का जो प्रभाव है इनके प्रभाव से जो है प्रहलाद विरोचन बलि आदि जे भगवत भक्त हुए। ऐसे शुक्राचार्य जी जो है कहते हैं कि इनका नाम जो है ये काव्य भार्गव तथा उष्णा भी था, अनेक नाम थे इनके जो है। और जो मुख्य नाम जिनके बतलाए गए हैं काव्य भार्गव उष्णा जो है ये इनके नाम से जो प्रतिष्ठित रहते हैं। और इनमें जो है योग साधना तपस्या अध्यात्म ज्ञान तथा नीति का जो है बहुत ही जो है इन्हें बल था। इस प्रकार से जे शुक्राचार्य जो है इतने शक्तिशाली हुए हैं। और इन्हीं के एक पुत्री जो थे जिसका नाम जो था देवजानी था, जिसका विवाह जो है जे राजा जयति के साथ जो है ये हुआ था। ऐसे जो शुक्राचार्य जो है सभी प्रकार के रत्नों और धनों के जो है एकमात्र जे स्वामी ही धनाध्यक्ष जो है कुबेर भी जो है इन्हीं से धन जो थे ये प्राप्त करते थे। ऐसे ऐसे इनके पास विद्या थी ये शुक्राचार्य जी के पास जो है। और जे इंद्र तथा ब्रह्मा की सभा में भी जी प्रतिष्ठित रहते थे। वहां पर इनका मान सम्मान जो था जे था जे शुक्राचार्य जो है इनके जो पास जो है मृत संजीवनी की विद्या थी। जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता था और इनके पास ऐसी मृत संजीवनी विद्या थी जिससे उनको जीवित कर देते हैं। युद्ध में जब दैत्य जो थे मृत्यु को प्राप्त होते थे तो अपने विद्या के द्वारा उनको जो जीवित कर देते थे। इससे संग्राम में मरे हुए असुरों को भी जिस प्रकार से जीवित कर देते थे। और किंतु देव गुरु बृहस्पति के पास ये विद्या नहीं थी, ये ज्ञान जो था उनके पास नहीं था। गुरु बृहस्पति जो देवता गुरु से थे बृहस्पति, इनके पास जो है ये ज्ञान नहीं था। बृहस्पति के पुत्र जो है कच्छ हुए, कच्छ नाम का पुत्र जो था बृहस्पति ने अपने पुत्र को जो है शुक्राचार्य जी के पास भेजा। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति के लिए वहां पर गए। और शुक्राचार्य जब देखा और पता चला कि ये बृहस्पति के पुत्र हैं तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा से ये ज्ञान दिया। मृत संजीवनी विद्या को जब ज्ञान जो देने लगे और ये ज्ञान सिखा रहे थे तो असुरों को पता चल गया कि देवता गुरु बृहस्पति जो है उनके पुत्र कच्छ को हमारे गुरु शुक्राचार्य जी जो है ये मृत संजीवनी विद्या जो है ये सिखा रहे हैं। तब जो है उन्होंने कच्छ को मार दिया। जब उसे मार दिया तो कहते हैं फिर शुक्राचार्य उसको जीवित कर देते, फिर विद्या सिखाते। इसको अनेक बार जो है उसने उसको मारा और गुरु शुक्राचार्य जी उसको जीवित कर देते। तब जो है एक बार उसने ऐसा किया, उसे मार करके फिर उसे जला दिया और उसकी जो वसम जो थी जो राख जो थी उसको इकट्ठा किया और उसे सोरा में मिला करके अपने गुरु शुक्राचार्य जी को ही पिला दिया। उसकी वसम मार करके उसकी वसम जो है सोरा में मिला करके जो है गुरु को ही पिला दिया। अब गुरु ने देखा कि अब जो है जिस कहां चला गया पता नहीं चला। तब जो है शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया तो देखा जो असुर की क्रदूत थी उन्होंने मुझे ही उसकी भस्म जो थी सोरा में ला करके मुझे ही उस पिला दी है। तब कहते हैं कि शुक्राचार्य ने अपने पेट में ही उसको जीवित कर दिया। जीवित कर करके उससे कहा कि बेटा मैं आपको अपने पेट में ही जे मृत संजीवनी विद्या से सिखाऊंगा, इसे सीख करके फिर तो मेरा पेट फाड़ करके
बाहर निकल जाना और मुझे जीवित कर देना। बोलो सच्चे दरबार की जय। जैसी विद्या सुजी भगवती की आराधना कर करके शुक्राचार्य प्राप्त की थी, जो सब प्रकार के सिद्धियों को देने वाली जय भगवती है। अब जो है उस कच्च को जो है बृहस्पति के पुत्र को उन्होंने अपने पेट में जो है उसे जो है जो ज्ञान दिया, मृत सजीवनी विद्या का उसने ज्ञान प्राप्त किया। उसके उपरांत जो है फिर गुरु शुक्राचार्य का पेट ही फाड़ करके बाहर निकल आया और शुक्राचार्य जी को पुनः उन्होंने उस विद्या के द्वारा जीवित कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से अब जो है शुक्राचार्य जो है उस समय कहते हैं उन्हें जो एक मर्यादा बांधी थी कि आज से जो भी ब्राह्मण जो है सुरापान करेगा वह मंद बुद्धि हो जाएगा। जो ब्राह्मण जो है सुरापान करेगा वह मंद बुद्धि हो जाएगा और ये लोग लोक में जो है वह निंदित माना जाएगा, उसकी निंदा होगी। आज जो देखते हैं जो इस प्रकार से ब्राह्मण लोग जो सुरापान करते हैं वो प्रति समाज में जो है वह निंदित ही माने जाते हैं। तो उस समय जी शुक्राचार्य मर्यादा जो थी जे बांधी थी और इस प्रकार उन्होंने आज से कोई भी जो है ब्राह्मण मदिरा पान जो करेगा जो वह जो है मंद बुद्धि धर्म से भ्रष्ट वो पाप का जो है भागी होगा और जो है तथा ये लोग अपर लोग दोनों में निंदित माना जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से भगवती जो है जिस सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है और जो भी भक्त सच्चे हृदय से भगवती की साधना करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से जो है बहस्मत शक्तियों संपन्न होकर के इस लोक में सौ सुखों का भोग करते हैं और उनकी कीर्ति जो है अटल बन जाते हैं। जीवन कभी को काला धब्बा नहीं लगता। जिन पर माँ का आशीर्वाद हो जाते हैं जो माँ की साधना करते हैं उनकी ना तो कहीं कोई निंदा होती है, संसार में उनका यश उनका मान कीर्ति बढ़ती जाती है और ना ही जो है उन्हें रोग कष्ट देते हैं, निरोगी जीवन जीते हैं, ना ही उन्हें परिवार में जो है अपने प्रेमी जनों का वियोग देखना पड़ता है, ना ही किसी प्रकार को उन्हें जो है कोई शत्रु भय होता है, ना ही उन्हें मृत्यु भय होता है। ऐसे माँ की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त होता है, आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है जो माँ के शरणक धोकर के माँ की साधना करते हैं, आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और जिनको आत्म ज्ञान की प्राप्ति जाती है वास्तव उन्हीं को आत्म शांति मिलती है, कभी उनके जीवन का क्लेश को कला नहीं होती है और उनके जीवन सदा सर्वदा माँ की कृपा से माँ का आशीर्वाद से रिद्धि सिद्धि बन जाती है। वह भगवती आदि शक्ति जिसके दरबार में आकर सभी भक्त जन जो है उस माँ भगवती के शरणक धोकर के इस गुफा के अंदर पिंडी गुरु में दर्शन करते हैं। वह माँ इस गुफा के अंदर अर्धशक्ति तीन दिव्य पिंडी गुरु विराजमान है, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शन के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सभी भक्त जन आकर के इस गुफा के अंदर इन दिव्य पिंडी के साथ नतमस्त होते हैं। जब भक्तजन माँ के चरणों में माँ के दरबार में आते हैं और दिव्य पिंडियों के साथ नतमस्तक होते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, तो इन तीनों माताओं को उन शरणागत भक्तों पर बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे बालक जो है अपने माता पिता के पास आकर के माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो उन माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है और किस प्रकार से उसके अवधि के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके सुख समृद्धि के लिए हृदय से उन्हें आशीर्वाद देते हैं, ये तो जगजननी जगत माता है। जब भक्त जन इस माँ के चरणों में आते हैं और माँ का प्रणाम करते हैं, तीनों माताओं को उन शरणागत भक्तों में बड़ी प्रसन्नता होती है और ये तीनों माता हृदय से उन भक्तों को वरदान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, जिस आशीर्वाद से वह भक्त जन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। माता महाकाली जो शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती है। माता महालक्ष्मी माँ वैष्णवी जो शरणागत भक्तों को धन लक्ष्मी वरदान देती हैं, कार्य सिद्ध करते हैं, कारोबार में वृद्धि करती हैं, सर्वत्र भक्तों का मंगल मंगल करती हैं। माता महासरस्वती जो विद्या बुद्धि का वरदान देती हैं, ज्ञान देती हैं, विवेक देती हैं। इसलिए माँ की साधना जो बतलाई गई है, भगवती की जो साधना करते हैं माँ के दरबार में आकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन भक्तों को इन तीनों शक्ति की प्राप्ति होती है और जिन भक्तों को इन तीनों शक्ति की प्राप्ति हो जाती है उनके जीवन कभी का नष्ट नहीं होता, कहीं उनका मंगल नहीं होता, सर्वत्र मंगल मंगल होते हैं और वह जो भी मन में विचार करते हैं उनके वह सब कार्य, उनके संकल्प जो है वह सिद्ध होते हैं।
तो आप सभी माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगी। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात माँ भगवती के रूप है। इस मंत्र को जो भक्त जन जो है अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों से माँ की जो जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं, उनके घरों में जो भगवती सदा सर्वदा लक्ष्मी के विराजमान होकर के अवधि को देती है, उन्नति को देती है, सुख देती है, शांति देती है। आप सभी इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके अपने जीवन में ऐसा निज बना लीजिए कि प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल इस मंत्र की एक माला जप तो अवश्य करें। जब विशेष दिन होते हैं, अष्टमी है, नवमी है, चतुर्दशी है, नवरात्र के दिन आते हैं, वह नौ दिन के विशेष जो है शक्ति पूजन के दिन होते हैं, उसमें जितना जप कर सकते हैं इस मंत्र का जप करना चाहिए। वास्तव में यही असली धन है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी भक्त इस मंत्र का पाठ करेंगे, सम्मिलित होकर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। 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 सच दरबार की जय। तो ये नौ अक्षर के मंत्र के जो है एम जी है जो माता महासरस्वती का बीज है, इसका जप करने से सरस्वती की ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है, माँ सरस्वती विशेष कृपा प्राप्त होती है। हरेम जो माता महालक्ष्मी का बीज है, इसका जप करने से धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्लीम जो माता महाकाली का बीज है, क्लीम कृष्ण का बीज भी है, क्लीम जो माया बीज भी है, इसका जप करने से जो है शक्ति प्राप्त होती है, शत्रु का नाश होता है, रोग से मुक्ति मिलती है, महाकाली की विशेष कृपा बढ़ी रहती है। चामुंडा माँ भगवती का नाम है, चंड मुंड नाम के दो असुर हैं जिनका वध करने से भगवती जी चामुंडा के नाम से विख्यात हुई। बिच्छक रूप में माँ भगवती जी भक्तों को अभिधान देती है। इस प्रकार से ये नौ अक्षर का मंत्र जो है वास्तव में परम शक्तिशाली मंत्र है। नौ ही नवरात्र है, नौ ही माँ भगवती के स्वरूप है और इस प्रकार से यद्यपि सृष्टि में बहुत सारे ग्रह हैं परंतु उनमें नौ की संख्या विशेष इसका महत्व दिया गया है। नवरत्न नौ ही प्रकार के रत्न जैसे बतलाए गए हैं, ऐसे नौ की संख्या का बड़ा विशेष महत्व बतलाया गया है, इससे ऊपर कोई संख्या है ही नहीं। इसलिए ये मंत्र जो है ये अपने आप बिल्कुल परिपूर्ण है और इस मंत्र के द्वारा साधक जन माँ की साधना करते हैं उन पर इन तीनों देवियों की विशेष कृपा होती है। तो इस माँ जगजन्य की सर्वदा पर कृपा बनी रही और माँ की कृपा से आपके सब कार्य सिद्ध हों। आप जो ही मन की कामना लेकर के माँ के दरबार में आए हैं, माँ भगवती आपको वरदान दें, आपकी मनोबल सिद्ध कामना को पूर्ण करें और आपके जीवन में सदा सर्वदा भगवती कृपा से रिद्धि सिद्धि बनी रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला निवेदन कर रहा हूँ। श्री मणिंद्र सिंह माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन से सहयोग देना सम्मिल कर बोलना। ताली जाते हैं श्री मणिंद्र जी। जयकारा श्री रामवाली जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। बोलिए सरस्वती मैया की जय। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। दीप जला दे माँ, सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का दीप जगा दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का दीप जला दे माँ।
तेरी
अर्चना तेरी वंदना तेरा ध्यान करूँ माता वो तेरे द्वार पे आया हूँ मैं भक्ति का दूवर देवा तेरे द्वार पे आया हूँ मैं भक्ति का दूवर देवा वो तेरे द्वार पे आया हूँ मैं भक्ति का दूवर देवा तेरे द्वार पे आया हूँ मैं भक्ति का दूवर देवा बोलिए सरस्वती माता जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय इतनी सी अरदास है मेरी हे मैया पूरी कर दो शरण में अपनी लेकर मुझको हाथ मेरे सर पर धर दो मैं तो मांगू प्यार तेरा माँ बस यही धन मुझको दे दो माँ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए 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 वो बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए ओ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए माँ के जैसा दूजा कोई जग में न मीत है माँ के जैसा दूजा कोई जग में न मीत है एक तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है एक तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है सच्चा जे प्यार तेरा बार बार चाहिए सच्चा जे प्यार तेरा बार बार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए ओ बच्चों को दूर
प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए बच्चों के लिए तो माँ ही सच्ची सरकार है बच्चों के लिए माँ ही सच्ची सरकार है दुनिया की दौलतों से महंगा माँ का प्यार है दुनिया की दौलतों से महंगा माँ का प्यार है दिल का करार दिल बेकरार चाहिए दिल का करार दिल बेकरार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए ओ बच्चों के बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार 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 चाहिए इस दिन पल पल सुमिरन तेरा हो दिन पल पल सुमिरन तेरा हो दिल में हमेशा मैया तेरा ही बसेरा हो दिल में हमेशा मैया तेरा ही बसेरा हो सपना हमारा होना शानदार चाहिए प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए जब जब मैया तेरी चौखट पे आऊँ मैं जब जब मैया तेरी चौखट पे आऊँ मैं हक अपना मैं तेरे प्यार में जताऊँ मैं हक अपना मैं तेरे प्यार में जताऊँ मैं भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए बेशुमार चाहिए बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए ओ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए प्यार चाहिए हम तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा श्री वाली बोल सच्चे दरबार की जय तू दाता त्रैलोकी माँ तू दाता त्रैलोकी माँ तू दाता त्रैलोकी माँ तू दाता त्रैलोकी माँ तेरा दर छोड़ के रे दर जा तेरा दर छोड़ के रे दर जा तेरा दर जोड़ के रे दर जा तेरा दर छोड़ के रे दर जा तू दाता ब्रह्मा दे आवे वेद पढ़न को ब्रह्मा दे आवे वेद पढ़न को मत बिना वेद पढ़ा तू दाता त्रैलोकी माँ तू दाता त्रैलोकी माँ तू दाता त्रैलोकी माँ तू दाता त्रैलोकी माँ तुझको विष्णु
ये तुझको विष्णु दे आवे सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग भक्ता दे भंडार भरा दूदाता त्रैलो की मां दूदाता त्रैलो की मां दूदाता त्रैलो की मां दूदाता त्रैलो की मां पंज में तुझको ध्यानु दे आवे पंज में तुझको ध्यानु दे आवे ध्यानु दे आवे भजन करन को ध्यानु दे आवे भजन करन को ध्यानु दे आवे भजन करन को मां को दीना भजन करा और सच्चे दरबार की जय। अगली प्रस्तुत करेंगे श्री मनिंदर जी। जयकारा जी का और सच्चे दरबार की जय। प्रेम हो तो माँ चरणों से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो माँ चरणों से प्रेम होना चाहिए। को सुमिरन मैया का करके सोना चाहिए। रात को सुमिरन मैया का करके सोना चाहिए। ओ रात को सुमिरन मैया का करके सोना चाहिए। रात को सुमिरन मैया का करके सोना चाहिए। प्रेम हो तो माँ चरणों से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो के प्रेमी उन पे रोना चाहिए। मखमली कंधों पे सोए तुम यहाँ आराम से
तुम यहाँ आराम से मखमली कत्तों पे सोए तुम यहाँ आराम से सफर लंबे के लिए कुछ तो बिछोना चाहिए सफर लंबे के लिए कुछ तो बिछोना चाहिए हाँ सफर लंबे के लिए कुछ तो बिछोना चाहिए सफर लंबे के लिए कुछ तो बिछोना चाहिए हाँ प्रेम हो तो माँ चरणों से प्रेम होना चाहिए प्रेम हो तो माँ चरणों से प्रेम होना चाहिए हाँ जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए हाँ जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए हाँ भी जब होकर बाग के फल खाए हैं तुमने अगर कर बाग के फल खाए हैं तुमने अगर बीज बोकर बाग के फल खाए हैं तुमने अगर बीज बोकर बाग के फल खाए हैं तुमने अगर वास्ते परलोक के कुछ तो बोना चाहिए वास्ते परलोक के भी कुछ तो होना चाहिए हाँ प्रेम हो तो माँ के वचन में मस्त होकर मगन होना चाहिए माँ के वचन में मस्त होकर मगन होना चाहिए माँ के वचन में मस्त होकर मगन होना चाहिए माँ के वचन में मस्त होकर मगन होना चाहिए हाँ प्रेम हो तो माँ चरणों से प्रेम होना चाहिए प्रेम हो तो प्रेम हो तो माँ चरणों से प्रेम होना चाहिए प्रेम हो तो माँ चरणों से प्रेम होना चाहिए जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए जो बने विषयों के प्रेमी रोना चाहिए हाँ जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए जो बने विषयों के प्रेमी सच्चे दरबार की जय बंदूक कांचन निवम रुचिराक्ष माला पाशा कुशाच भरदान निज बाहु दंडे विभ्राणमेन्दु शकल भरणं त्रिनेत्र अर्धांबिके मनीषं बपुराश्रयामि सचिया जोता भले माता तेरी सदा ही जय माँ भगवती
की असीमण कंपा से ही आप भक्तजनों के सायकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जो भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे, संतते भान भवे, शरमान जसस्वे भवे, प्रज्ञा भाने भवे, भूर्भूत करणे दाने कनिष्ठो भवे, तेजस्वी भवे, बैर दर्भ दलने व्यापार दक्ष भवे, श्री शंबर पाद पुण्यत है सर्वोपकारी भवे, मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ है, शत्रुनाम बुद्धि नाशोस्त, मित्रणाम देश, शरीर वर्चस आयुष्म आरोग्यम आविदात, शुभमानम हियते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सम्मिल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मधु कह तब
I'm gonna
करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हूँ। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, 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 जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करेंगे, सम्मिल करके बोलना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, दिशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः, शान्तिः शान्तिः, शान्तिः शान्तिः। शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
भगवती माता रानी जी के दरबार में आप सबको भगवती माता रानी जी का बहुत सारा आशीर्वाद। जगजननी माता रानी जी
आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें। इसी आशीर्वाद के साथ माता रानी जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी और बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। बोलो सच्चे दरबार की जय। मेरी अकेले की आवाज ज्यादा देखो हर किसी तक पहुंची, तभी तो आप बोले, सबको सुनाई दी ना आवाज, आपकी किसी किसी की सुनाई, पूरे गज के मिलके आप आरती में बैठे हो। जगत जननी माता रानी जी का जो जो जयकार है, हमारा विश्वास है कि ये इस जयकारे से हमारे पूरे भारतवर्ष में, पूरे ब्रह्मांड में भगवती माता रानी जी के एक जयकारे से ही शांति हो जाएगी। जब जहां से माता रानी जी का आशीर्वाद लिया हुआ जयकारा पूरे देश में आपके मुख से फैलेगा, जब आज आप जहां बोलोगे कल अपने घरों से बोलोगे, तो इसलिए जहां भी ऊंची आवाज में वहां भी ऊंची आवाज में, वहां से जहां पहुंचाना है जहां से वहां पहुंचाना है। भगवती माता रानी जी सभी मिलके इस जयकारे को बोलेंगे पूरा। और देखिए जब आप जयकारा बोलते हैं तो जो लाइनों में लगे हैं उनको बहुत शांति पहुंचती है, बोलते आपकी होगी, इसलिए बोलो सच्चे दरबार की जय। चार्ज करना पड़ता है। बोलो सच्चे